तुम्हारी फिनिश हो गई अंश आइसक्रीम? क्या कर रहा है ये? नव्या को दे दें आइसक्रीम? नहीं। क्यों? नहीं का। दूसरी दे देंगे। दे दें। हाँ। आपका क्या नाम है? का कमरे। अच्छा, और पापा का? आपके मम्मा का? मम्मा का नाम नहीं पता आपको? पापा अभी समोसे नाश्ते के लिए लेकर आ गए हैं। देखो, लगा था कि पापा समोसे लेकर आए, लेकिन ये तो कचौड़ी है। क्लीनिंग करने के चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया है। 12 बज गए थे नहाते, क्योंकि आज मतलब मेरी बहन की शादी यहीं से भोपाल से है, सहनाई गार्डन से, तो वो सब भी आने ही वाले हैं। और मैंने सोचा कि अगर घर पे कोई आ जाएगा तो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। क्लीनिंग के चक्कर में काफ़ी टाइम हो गया है। नहा कर आ गई हूँ मैं, पूजन करती हूँ। फिर पहले पापा जी नाश्ता लेकर आ गए हैं, तो सबको पहले नाश्ता दे देती हूँ, लेकिन मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी। पहले पूजन कर लूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी। और मेरी अभी शादी की कोई तैयारी भी नहीं हुई कि क्या पहनना है क्या नहीं। और फटाफट से मैं पूजन करके आने के बाद नाश्ता करूँगी, और फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, और फिर उसके बाद तैयारी करूँगी, क्योंकि हमको अभी निकलना है। मतलब 12-1 बजे तक सभी आ जाएंगे गार्डन में, तो हमको फिर तभी निकलना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं रेगुलर ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, और ब्लॉग भी नहीं भेज पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई की शादी से जब आई थी तो गाँव से गेहूँ और चने आ गए थे। तो गेहूँ और चने साफ करने के चक्कर में, क्योंकि गेहूँ घर के रहते हैं तो उनको धोकर रखना पड़ता है, गेहूँ पूरे मैंने धोए और फिर सबको साफ किया। और 2-3 दिन बाद ही चाची का फ़ोन आ गया था कि शिवानी की शादी फिक्स हो गई है, तो इस चक्कर में ब्लॉगिंग शूट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इस चक्कर में मैंने सोचा फटाफट काम कर लेती हूँ, और नहा कर मैं पूजन करके आ गई हूँ। पूजन कर ली है, नाश्ता भी हो गया, अब मैं फटाफट से, यहाँ पर 1 बज रहा है, टाइम 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ। और बनाने के बाद अभी दीदी के यहाँ काटने गया है शादी का, तो हम लोग उनके यहाँ जाएंगे दीदी के यहाँ पर काट देने के लिए, और फिर उसके बाद मैं आकर तैयार होंगी। और सभी आ गए हैं, तो सबका फ़ोन आ रहा था कि रानी तुम यहीं पास के पास में नहीं आ पाई, और हम लोग इतने दूर से आ गए। सब गुस्सा कर रहे थे, लेकिन क्या करूँ, घर के काम भी ज़रूरी रहते हैं, और गेहूँ भी सारी जगह फैले हुए थे, तो उनको भी साफ़ करके रखना ज़रूरी था, ड्रम में भर के रखना। तो इस चक्कर में मैं गेहूँ में लगी हुई थी, तो टाइम भी नहीं मिल पाया। और खाना खाने के बाद, दीदी के यहाँ जाने के बाद, हम तैयार होकर निकल गए थे। मैं आपको वहीं जाकर हम लोग पहुँच रहे हैं, ये लोग गार्डन जा रहे हैं, ये देखिए मैं तैयारी कराना है, बस सूट पहना और मैं आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर मंडप जो इसमें लगाते हैं ना, तो जीजा जी उसमें लगाते हैं मंडप को, तो इस चक्कर में मैं जैसे थी फिर वैसे ही आ गई थी। यहाँ पर मंडप लगाने की रस्म चालू हो गई है। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और मेरा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काम करने के चक्कर में इतना टाइम हो गया था कि जैसे थी वैसे ही आना पड़ा। मतलब टाइम की एक रहता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभार मैं टाइम का ध्यान नहीं रखती हूँ और काम करती रहती हूँ, इस चक्कर में मेरे सारे ही काम बिगड़ जाते हैं कभी कभार। वैसे तो मैं मोस्टली टाइम देखकर ही काम करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि काम अगर आप बिजी हो जाते हो तो टाइम का ध्यान नहीं रख पाते, तो इस चक्कर में मैं आज भी ऐसे ही हुआ कि मैं समय पर शादी में, मतलब शादी हॉल में नहीं पहुंच पाई थी, और सब आ गए थे तो लास्ट में गए थे, तो सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन ठीक है। टाइम सर जैसे रस्में शुरू हुई थी और वैसे ही हम पहुंच गए थे, और फिर हम सभी ने खूब इंजॉय किया। इसके बाद मतलब मैंने अपनी बहन को जैसे ही मंडप गड़ाने के बाद फिर तेल की रस्म हुई, सभी लोगों ने तेल चढ़ाया। यहाँ पर छोटी चाची और मझली चाची जब मंडप गाड़ते हैं, उसके बाद सबका टीका करते हैं, तो यहाँ पर मझली चाची टीका कर रही हैं और छोटी चाची सभी को पैसे देकर पैर पड़ रही हैं। और इसके बाद, इसके जस्ट तुरंत बाद ही सब का नाश्ता होगा, मतलब कि सभी ने तो मोस्टली लोगों ने कर लिया, लेकिन जो बच्चे हैं वो नाश्ता करेंगे। इसके बाद तेल चढ़ाने की रस्म होगी, क्योंकि शादी यहीं पर, मतलब तेल, हल्दी, मंडप, डांस सब कुछ यहीं पर है। और आज तारीख कितनी है,
अलग अलग तरीके से सभी के यहाँ शादी की रस्म होती हैं। यहाँ पर देखिए छोटी चाची ब्लॉगिंग कर रही हैं। मैंने उनको मोबाइल दिया कि चाची आप पकड़िए, क्योंकि वो खड़ी हुई थी और तेल मतलब वो पीछे खड़े रहते हैं ना दुल्हन के, तो वो पीछे खड़ी हुई थी। यहाँ पर मैं उनसे बोल रही थी कि आप हमारी फ़ोटो शूट कीजिए, यहाँ पर फ़ोटो सेशन भी चल रहा है। और सभी ने खूब बहुत इंजॉय किया शादी में। मैं शादी मतलब शादी के बाद मेरे को तुरंत ही हमारे चाचा ससुर के लड़के आने, मेरे देवर की शादी है तो वहाँ जाना है। इस चक्कर में मेरे को गेहूँ साफ करके रखना बहुत ज़रूरी था, तो इस चक्कर में मैं कभी कभार हो जाता है कि काम ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है, तो ऐसे ही रहता है। और बाकी इसके बाद 18 तारीख में मेरी छोटी वाली संजीली वाली और छोटी वाली सिस्टर एक ही घर में हैं, तो उनके भी देवर की शादी है, तो फिर मेरे को वहाँ जाना है, इस कारण काम करना पड़ा। और यहाँ पर अब सभी का डांस चल रहा है, ये देखिए सब लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं डांस। यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।